हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये व्लॉग कर रहा हूँ मैं शाम के टाइम स्टार्ट गाइस। तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, तो आज स्नो व्लॉग बनाने वाला हूँ गाइस मैं पहली बार चैनल पे। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है। अभी भी स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी आपको दिखाता हूँ आगे ग्राउंड का व्यू, बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं निकलता हूँ थोड़ा बाहर शूट करने के लिए, क्योंकि अंदर उतना मज़ा नहीं आता है शूट करने में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो गाइज अभी मैं आपको यहाँ की स्ट्रीट्स दिखाने वाला हूँ कि स्ट्रीट्स का हाल क्या होने वाला है बर्फ में। और यहाँ पे अभी कुत्तों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बर्फ़ में। तो यहाँ पे अभी छोटा सा डॉगी मेरे को मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े से डोल रहा है और थोड़ा डर भी रहा है। बट जब ये सेना में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। और एक और इसकी लगता है मदर आ गई, कौन है ये देख सकते हो, दो दो कुत्ते इधर पे बैठे हुए। और काफ़ी ज़्यादा मस्त मौसम भी हो रहा है और बर्फ़ में गाइज स्केटिंग भी हम कर सकते हैं, देखते हैं आगे होती है यानी। और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्त मौसम हो रहा है। और स्ट्रीट्स का भी अभी फ़िलहाल यही हाल है, ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं कह सकते बट इधर पे पहले बहुत ज़्यादा थी सुबह के टाइम। अभी लगता है लोग इधर पे चल रहे थे तो चलने की वजह से इधर पे बर्फ़ जो है वो कम हो चुकी है। और इधर पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस स्ट्रीट का हाल आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की स्ट्रीट्स हैं। ज़्यादा अभी यार उतना अच्छा नहीं आ रहा है, क्या बोलूँ, थोड़ा सा रियर कैमरा अभी अच्छे से चल नहीं रहा है बारिश की वजह से मेरा, तो मैं सेल्फ़ी की मदद से इधर पे कर रहा हूँ। ये वाला शॉट जो आप देख रहे हो ये रियर कैमरा से ही हो पा रहा है। और ये देखो इधर पे कुत्तों को कितना मज़ा आता है बर्फ़ में, और उतना ही मज़ा सबको आता है। और अभी यहाँ पे बहुत कम लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा कम, बर्फ़ में इधर होता ही नहीं है कोई, गर्मियों में बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अभी मुझे एक कोई मिला है, अभी बुला रहा है, देखते हैं कौन है ये। और अभी ये जाएगा शायद कहीं, लड़का ही है कोई। और बाकी गाइस ये देख सकते हो अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। तो गाइस अभी रियर कैमरा जो है फ़ोन का वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। तो अभी मैं सेल्फी कैमरे से शूट कर रहा हूँ, होप सो आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा मैं, और बाकी का व्यू भी बहुत अच्छा दिख पा रहा होगा। शाम का टाइम हो रहा है और शाम के टाइम पे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं सुबह के टाइम पर भी व्लॉग स्टार्ट करूँगा। सुबह बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही थी, अभी तो हल्की हल्की पड़ रही बट सुबह बहुत ज़्यादा थी। आप देख पा रहे होंगे दीवारों पर ये कैसे जम चुके हैं ये बर्फ़ के गोले, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होगी इधर पे। और ये वीडियो फेसबुक पे भी पोस्ट हो सकती है, यूट्यूब पे तो होगी होगी। और आप लोग तब तक सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं अगर ऐसे अमेजिंग व्लॉग देखने। और गाइस अभी मैं एक डैम्प बनाने वाला हूँ, तो उस डैम्प के भी मैं आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ। ये जो दीवार के ऊपर गाइस बर्फ़ है, इस बर्फ़ को इकट्ठा करके गाइस मैं डैम्प बनाने वाला हूँ, यानी कि ये बर्फ़ पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। थोड़ा बहुत बोरिंग भी लग सकता है आपको बट इन्जॉय करना आप, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आप सभी लोगों को, और मुझे तो मज़े आते ही रहते हैं। छोटा सा डैम बन के रेडी हो चुका है, मैं कोशिश करूँगा कि पूरा डैम बन पाए बट वो पूरी तरीके से घिर चुका है। अभी थोड़ी दूसरी बर्फ़ लेते हैं और बर्फ़ से इकट्ठा करके बहुत बड़ा डैम बनाने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को इम्पॉसिबल काम ही लग पा रहा है बट छोटा सा गाइस यहाँ पे मैंने डैम रेडी करके रख दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ज़्यादा इधर पे नहीं हो पाता है, डैम तो आप सभी लोगों ने अभी देख लिया, जो कि मैंने बिल्ड किया था बर्फ़ की मदद से। काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है ये डैम, ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने, इसको नॉर्मल रखा बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, 1 फीट का आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आपको मैंने अभी सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाए इसके थोड़े बहुत, अब इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। तो अभी मैं गाइज आपको ट्राई कराने वाला हूँ नेचुरल बर्फ़ की आइसक्रीम कैसी लगती है, बट ट्राई करके देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, तो अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ कि आखिर कैसा रहता है जब हम नेचुरल बर्फ़ से ये सब बना के देखते हैं। मतलब बोलने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है बट ट्राई करने में क्या जाता है, उसी के लिए तो चैनल बना। अभी यहाँ पे ये बर्फ़ तो ले ली, अब इसको गाइस स्टार्ट करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, बस बर्फ़ का गोला बना डालो और इसमें एक स्टिक लगा के ट्राई करो। रियल वाली ना बर्फ़ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी, रियल वाली नहीं, ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल तरीके से जो बर्फ़ तैयार होती है
और ये नेचुरल बर्फ काफी ज्यादा बढ़िया है। आपको इस बारे में क्या कहना है आप लोग कह दीजिएगा। मैंने सोचा जब बर्फ पड़ती है तब बर्फ खाने का बहुत मजा आता है। अभी ऑर्गेनिक नेचुरल बर्फ काफी ज्यादा अच्छी है यार। फेब्रुअरी में पड़ी है तो अच्छी तो होगी। और बाकी गाइस आप कमेंट करके ये लिख सकते हैं कि आप इस वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हो या कौन सी कंट्री से। कंट्री का तो मुझे पता है ज़्यादातर लोग इंडिया से ही देखते हैं, वैसे इंडियन है तो। बाकी अगर और किसी कंट्री से देख रहे हो या और किसी सिटी से तो कमेंट में ज़रूर से लिख दीजिएगा, मेरे को जानना है कि कहाँ कहाँ से देखते हो। हालांकि 5-6 व्यूज़ ही आएंगे बट फिर भी बोलने में क्या जाता है, व्लॉग तो डायलॉग्स बोलने के लिए ही बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही, कपड़े भी बर्फ़ से भर चुके हैं बट बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अभी जिस जगह पे मैं जाने वाला हूँ गाइस वो माउंटेन टाइप आप कह सकते हो चोटी है। और यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा उसके रास्ते में भी बर्फ़ जम चुकी है। यहाँ पे रोड जो बना हुआ था वहाँ पे बर्फ़ जम चुकी है। और गाइस अभी अभी मेरे को पता चला कि आगे शायद से कुत्ते होने वाले हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता शेफर्ड के कुत्ते हो सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाले हैं। बट मैं ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला क्योंकि अगर मैं ज़्यादा आगे चला गया फिर वो कुत्ते कुछ भी कर सकते हैं और बर्फ़ में मुझे नहीं लगता दौड़ना सेफ रहेगा क्योंकि फिर घिर जाएंगे। तो अभी गाइस शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6-7 बज चुके हैं फिलहाल, 6:30 टाइम हो रहा है और मैंने 2 शॉर्ट वीडियोज़ भी अपलोड कर दिए। लेकिन चारों ओर से वाइट ही वाइट है, जब सुबह उठेंगे तो भी वाइट ही वाइट दिखेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा। बर्फ़ में बहुत टाइम से पड़ नहीं रही थी तो फाइनली पड़ चुकी है। और बाकी तो अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं और थोड़े बहुत एडवेंचर व्लॉग भी गाइस मैं ट्राई करूँगा। ज़रूरी नहीं है इस चैनल पर मैं सिर्फ वही डाल दूँगा, लाइफ स्टाइल ये सब वो सब ज़रूरी वो सब मैटर नहीं करता बट क्रेज़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस चैनल पर। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली, आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और शॉर्ट्स भी इस चैनल पे आते रहते हैं आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो चारों ओर वाइट ही वाइट गाइज। और बाकी गाइज इस चैनल पे मैं इस बार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपने चैनल पे किसी सब्सक्राइबर का नाम लिया जाए। तो कुछ कुछ लोग गाइज जो मेरे को देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी देखते हैं कभी कभी नहीं देखते हैं, तो वो देखा करो। बहुत ज़्यादा मस्त मस्त बनाते रहता हूँ बीच बीच में जब मेरे को अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। हालांकि अब वीकली हिसाब से मैं सेट कर दूंगा व्लॉगिंग का शेड्यूल अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो। बाकी तो अभी मैंने ऐसे फ़िलहाल बर्फ़ का व्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ऊपर से कोई भी व्लॉग नहीं था यार बर्फ़ में मेरा, बाकी सारे लोगों के आप देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स के, बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स के, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह जो भी होते हैं, बट मेरा नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए व्लॉग। और अभी थोड़ी देर बाद के बाद इसी व्लॉग को थोड़ा बहुत एडिट वेडिट मार के चढ़ा दूंगा कल या परसों तक। आप लोग जब तक ये इस व्लॉग को देखोगे तब तक मैंने इस व्लॉग का सारा काम कर लिया होगा। और अभी देखो पेड़ों पे भी बहुत ज़्यादा मस्त मस्त बारिश हो रही है। और अभी मैं घर के आसपास ही व्लॉग को शूट कर रहा हूँ और ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। और बाकी गाइस मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आखिरी रिएक्ट यूट्यूब चैनल को गाइस आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे रिएक्शन चैनल वीडियोस आती रहती हैं आप लोग चेक कर सकते हैं। और बाकी गाइस ज़्यादा मैं प्रमोशन नहीं करता, एक और चैनल है मेरे दोस्त का, उसको भी गाइस आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। उसके चैनल का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा बट हल्का हल्का आ रहा है, ऑलराउंड JK आप टाइप करके कर सकते हो। बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं यार, ऐसा ही होता है जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। और फिलहाल अभी यहाँ से आप देखो, अभी मैंने जो इस मोबाइल का स्टैंड होता है ना माउंट वाउंट लगा के इसको सेट कर दिया है क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखाने वाला हूँ ना। ये देखो गाइस, इस व्लॉग को खाना खाते समय देखने में मज़ा आएगा या नहीं वो आप लोग चेक कर सकते हो। इस व्लॉग को खाना खाते समय आप देखना और तारक मेहता को जज करना, हालांकि उनकी इन दोनों की तो कोई टक्कर नहीं, तारक मेहता अपनी जगह है, मेरे व्लॉग्स थोड़े डाउन ही है अभी फ़िलहाल। गाइस यहाँ पे बैटरी भी हो चुकी है मेरे मोबाइल की पूरी तरीके से डेड, अभी होप सो कुछ देर में मैं फ़ोन को लगा दूंगा गाइस चार्ज पे। और अभी इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, कैसा लगा बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर और बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। अगर आपने मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया यहाँ पे। और
वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डू कमेंट डाउन फॉर मोर स्नो व्लॉग्स। हालांकि देखते हैं अब ये बर्फ कब तक चालू रहती है।